बात करें। ये है जिनको वर्षा में बहुत अवसर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मिल जाता है, सारे में अंबिया साहब तो सुबह सरहद और बलूचिस्तान में कवाली नहीं होती वहाँ से कॉल नहीं आती इसकी क्या वजह? ईरान में, ईरान में वहाँ तो बहुत है जो अपना सरहद में सुनते हैं लोग कवाली, लेकिन मखसूस मखसूस एरियाज में अपने वो अपने घरों में वो खास जगह पे ऐसे नहीं ओपनली नहीं होती है। दरबार तो वहाँ भी है, दरबारों पर तो कवाली होती होती है वहाँ से। सारे लोग तो नहीं ना ऐसी इसी तबके से के जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, अभी भी लोग वहाँ पे जो कवाली सुनते हैं। वैसे आपने नोट किया कि पिछले 15-20 साल में जितने जितने अरसा आप इन्वॉल्व रहे हैं, आपने नोट किया कि पाकिस्तान में ये तब्दीली, मतलब खासी तब्दीली बाद लोगों में आई, जो कहते हैं जी म्यूज़िक जो है अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे वो फिल्म भी बनी खुदा के लिए कि जिसमें यही टॉपिक था कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही मतलब म्यूज़िक के दुश्मन भी पकड़ लिए। देखें ये है तबका 200-300 साल से ही है, बाकी उससे पहले तो चला ही आ रहा है ये सिस्टम, ये इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं हो सकता। ये कल्चर का नाम, ये कल्चर के हिसाब से हमारा इस्लाम कल्चर के हिसाब से है जी, बड़े सगीर में मुसलमान किया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो म्यूज़िक के साथ किया है जी बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? कल्चर को, उनके कल्चर को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम को लेकर आए और उन्होंने तबलीग की इस्लाम की। ये तो नहीं ना कि उन्होंने डंडे मारे हैं या तलवार चलाई है, ऐसा तो कोई काम नहीं किया उन्होंने, उन्होंने तबलीग की है। जिसको एक्सेप्ट, जिसने एक्सेप्ट किया वो मुसलमान हो गए। डंडे मारने वाले वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप लोग हैं जैसे तालिबान हैं, उनका आप जिक्र ही ना करें, छोड़े मतलब हमारे दुश्मन ना करें लोग, मतलब ठीक है म्यूजिक से रिलेटेड वैसे तुमसे वैसे पता नहीं कौन से रूट पर आ गया मैं, ठीक है आप उनको वाइड ही रखेंगे। तो ये पाकिस्तान में तो मतलब एक है एक चीज़ के बंदे को बंदे को वैसे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि कौन है, किससे बात हो रही है और क्या ये सब जो है अपनी अपनी मेजॉरिटी में है कोई, जो जो जिस मेजॉरिटी में म्यूजिक माइंडेड आदमी है ना, अपने म्यूजिक वाले लोगों में बैठना है। सही, एक बिजनेस मैन है उसमें बिजनेस मैनों में बैठना है, जो किसी शोबे का आदमी उसको अपने शोबे में जाना है, एक मैकेनिक है उसमें मैकेनिकल लोगों के साथ ही बैठना है, उसका फजूल लोगों के साथ बैठना उनमें है। सही, जो करप्ट लोग हैं वो यहाँ भी बुरे हैं वो वहाँ भी बुरे हैं। सही, उनके गैदरिंग वैसे लोगों के साथ है जिनके साथ उन्हें बैठना है। सही बात है, वो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है और अपने जैसे लोग ही क्या उसे कहते हैं इंग्लिश में बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, कि लोग अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ढूंढते हैं। साहब इनसे किया जी, जी हाँ हाँ, इन्होंने हमें प्रमोट किया पहली मतलब मियाँ साहब को उन्होंने बुलवाया था 93 94 हाँ, जो जिस हिसाब से जिस तरह जितने मतलब मुख्तलिफ शहरों में आप जा रहे हैं जी, जी। तो इसका मतलब बहुत अच्छे प्रमोटर हैं, बहुत अच्छे, बहुत कम होता है इस तरह, नहीं ये असल में ये है ही प्रमोटर, क्योंकि एक्सपीरियंस है शौक है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह PhD की इन्होंने उसमें केमिस्ट्री जी केमिस्ट्री PhD और आर्टिस्टों के साथ प्यार का समझे कि प्यार ही इनको प्यार ही खींच के ला रहा खड़ा हुआ है जो लेने के आर्टिस्टों से प्यार ही इनको। अच्छा भाई हो गया, बहुत बहुत हो गया, मैं बुलाऊं मीडिया कभी तो काम आए। मियां साहब, मियाँ साहब मैं इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ आपके साथ।
कल वो शो वापस कर देंगे अगर कल आप लोगों ने ये सैन फ्रांसिस्को किया, कल या परसों शो नहीं होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द वर्ड्स, अगर ये आपने हरकतें की कल और परसों शो नहीं होगा, नहीं ऐसे ही होगा, नहीं होगा, वो नहीं करेंगे, उनका मना कर देंगे, यार किसी की इज्जत लाइन पर लगी होती है। वैसे ये अक्सर होता है।